नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा परिवार वेब सीरीज के बारे में। इसमें टोटल 6 एपिसोड है और इन 6 एपिसोड को अगर मैं बताऊं तो करीबन करीबन 2.5 घंटे की एक वेब सीरीज है। इसमें कास्ट है विजय राज, गजराज राव, रणवीर शोरे, यशपाल शर्मा, अभिषेक बनर्जी, अनुरिता झा और बाकी अच्छे अच्छे कलाकार आप लोगों को इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इस सीरीज की कहानी पर आते हैं। एक परिवार के मुखिया हैं काशी नारायण, उनके 3 बच्चे हैं, एक लड़की है गुड्डन जो अमेरिका रहती है, और उनके सबसे बड़े बेटे हैं जिनको वो बड़के कहते हैं, वैसे उनका नाम है महिपाल नारायण, तो वो बनारस में रहते हैं। ये जो काशी नारायण है ये प्रयागराज में रहते हैं, और इनके मंझले जो बेटे हैं यानी बीच वाले जो बेटे हैं उनको ये छुटके कहते हैं। तो ये तीनों बच्चे अलग अलग रह रहे होते हैं, तो एक पिता अपने बच्चों को एक साथ फिर से देखना चाहते हैं, उनके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए वो तरह तरह के नाटक करते हैं, इवन अपनी बीमार होने के कारण, मतलब उनको बताते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं मरने वाला हूँ, ये ऐसी फोटो खींच खींच कर अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि वो उनसे मिलने आ जाए। और ऐसा होता भी है, बच्चे उनसे मिलने आ जाते हैं कि उनके पिता जो है वो उनकी हालत बहुत खराब है। जब बच्चे जब मिलने आते हैं तो इनके जो बड़के हैं और वो छुटके हैं, इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। मतलब कि जो बड़के हैं अपने छोटे भाई को बार बार मतलब उसको ताने मारते रहते हैं कि यही कहते हैं कि तू अपने बॉस की चाटता है, तेरे में इतनी हिम्मत नहीं है तू अपनी आवाज उठा सके। देखो यार, इस सीरीज की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस सीरीज को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक रखा गया है। जो इसके अंदर कलर यूज किए गए हैं वो इतने ज्यादा रियल है, मतलब ऐसा नहीं कि जो आपने देखा होगा वो ब्यूटी कैम जिसके अंदर अजीब सी वो शक्ल बना देते हैं, ग्लो कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें रियल जो कलर है, मतलब कि सपोज किसी के आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, वो भी इसमें दिखाए गए, जो काफी ज्यादा एक रियलिस्टिक हमें लगते हैं। और जब बच्चे मिलने आते हैं अपने पिता से तो उन्हें पता चलता है कि इनके पिता सिर्फ बहाने कर रहे थे, उनको कोई भी बीमारी नहीं है, तो ये वापस जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी इनको पता चलता है कि इनके पिता ने इनकी जो पुश्तैनी जो जमीन आती है, खैर इनके पिता के बारे में एक बात बताना भूल गया, ये जो है वो खानदानी रईस है, इनकी अच्छी खासी जमीन आती है। तो इनके पिता के पास जो जमीन आती है, जो खानदानी जमीन है, वो 30 करोड़ रुपए की है, और वो इन्होंने दान में दे दिया है जो रंडवा, मतलब कि जो विधवा केंद्र, विधवा आश्रम केंद्र ऐसे कुछ करके वहां पर एक बहुत बड़ा आश्रम बनने वाला है, उनके लिए इन्होंने दान दे दिए। तो इन बच्चों की ऐसे मतलब पैसे सुनते ही तो यार किसकी नहीं सटकती, इनकी सटक जाती है, और ये अपने पिता के पास पैरों में पड़ जाते हैं कि उनकी सेवा करने में, ताकि ये जो जमीन है वो वापस हथिया सके। तो पूरा परिवार अब कोशिश करता है एक साथ रहने की, लेकिन जब फैमिली एक साथ होती है तो ऑब्वियसली यार उनमें लड़ाई होती है, उनमें प्यार होती है, ये सब चीजें आप लोगों को इस सीरीज के अंदर भरपूर देखने को मिलेंगी। और देखो यार, ये रियलिटी होती है कि जब दो भाई बहन होते हैं या दो भाई भाई होते हैं, जब वो आपस में तो वो बहुत ज्यादा लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते होते कभी कभी तो, और जो भी जो चीज जो घर में आती है वो इवन 1 इंच या 1 सेंटीमीटर भी फालतू अपने भाई को देना पसंद नहीं करते। अगर वो चीज आएगी तो उसको स्केल रखकर वो काटेंगे कि इतनी तेरी है और इतनी मेरी है। लेकिन जब कभी भी कोई भी तीसरा इंसान या कोई गैर इंसान अपने किसी दोनों भाइयों में से किसी एक भाई को अगर हाथ भी लगा देता है तो डेफिनेटली दूसरे भाई के अंदर उसका जो खून है वो खोलने लग जाता है कि यार उसने उसके भाई को हाथ कैसे लगा दिया। और ये ऐसा आप लोगों को इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। और जो ये प्यार है तब उस वक्त निकल के आता है, और जो काशी नारायण है ये वाला जो प्यार है वो इन दोनों भाइयों के बीच का जो ये वाला प्यार है वो निकालने की कोशिश करते हैं कि यार एटलीस्ट तुम जानो कि तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। अब यार वो आप लोगों को ये सीरीज देखने पर पता चलेगा कि काशी नारायण वो ऐसी क्या चीजें करते हैं कि ये दोनों भाई वापस में मिल पाते हैं। कहानी इसकी बिल्कुल सिंपल है, बट बावजूद इसके ये हमें आखिर तक बांध के रखने में सक्सेस हो जाती है। और इस सीरीज की मुझे सबसे अच्छी बात लगी इसकी परफॉर्मेंस। देखो यार, इतने अच्छे कलाकार है, ऑब्वियसली आप लोगों ने इनको बहुत सारी मूवीज या सीरीज के अंदर ऑलरेडी देख रखा है, तो आप लोग इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर तो बिल्कुल बिलीव कर सकते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाले। और इसमें जो परिवार दिखाया गया है उसमें ऑब्वियसली कॉमेडी है, प्यार है, लड़ाई है, हर चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वो एकता कपूर वाला वो सीरियल मत सोच लेना यार, जो खत्म होने का नाम नहीं लेता, और वो भैया जो चीजें वो उन्होंने बनाई है, इसमें आपको अच्छी चीजें एक तरीके से कॉमेडी और ये जो परिवार आप लोगों को हंसाएगा ही। और जब आप ये सीरीज देखोगे तो कुछ जगह आप लोगों को थोड़ी सी निराशा महसूस होगी, क्योंकि यार ये जो सीरीज है वो लगातार एक जैसी चल रही है और इसमें कोई टर्न एंड ट्विस्ट नहीं आते, तो थोड़ा बहुत आप इसमें देखकर निराश हो सकते हो, थोड़ा बहुत आप बोर सा थोड़ा फील करोगे। और ये सीरीज खुशी खुशी मैं आप लोगों को रिकमेंडेड इसलिए कर सकता हूँ कि यार देखो यार, इस सीरीज का मेन मोटिव आप लोगों को एंटरटेन करना है, और ये सीरीज जो है आप लोग रिलैक्स होकर अपने माइंड को रिलैक्स करके आराम से देख सकते हो। ऐसे बहुत कम सीरीज भारत में बनती है, क्योंकि ज्यादातर मैंने सीरीज या मूवी जो भी मैंने देखी है वो एक पर्टिकुलर प्रोपेगेंडा को लेकर बनाई जाती है, ताकि लोगों के दिमाग में भारत सरकार या भारत की जो आर्मी है या अपने ही देश के प्रति जहर घोलने की कोशिश वो करते हैं, या रिलीजन के प्रति वो जहर घोलने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी मूवी या ऐसी सीरीज से तो मैं यार बच के रहने की कोशिश करता हूँ। खैर, ये जो मूवी है या जो सीरीज है वो आप लोगों को अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोपोगेंडा नहीं है, टोटली एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी, आप हंसोगे, इवन आप अपनी फैमिली से थोड़ा बहुत इसे रिलेट भी कर पाओगे। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूँगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर जिन्होंने ये सीरीज देख रखी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को
वेब सीरीज कैसी लगी? अगर नहीं देखी तो मैं कहूँगा कि यार वन टाइम वॉच तो बनती है यार, प्लीज़ जाकर देखो यार। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।